हेलो माय डियर स्टूडेंट स्टूडेंट, मैं हूँ हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स। स्टूडेंट, तो मैथ्स में हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 7 और उसमें हम सीख रहे थे एक्सरसाइज 7.1 और उसका आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है देख लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। स्टूडेंट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें क्या दिया है। इन अ क्लासरूम अ फोर स्टूडेंट आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। यहाँ पर आपको फोर स्टूडेंट दिया है। देखिए ग्राफ पे चारों के चारों जो स्टूडेंट है वो ए बी सी डी चार सीट पे बैठे हुए। ओके, शो इन अ फॉलोइंग फिगर हमने देख लिया। अब चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। चंपा और चमेली जो दो स्टूडेंट है ना वो क्लास में चल रही है ऐसे ही एंड ऑब्जर्व कर रही है। आफ्टर द ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली। चंपा पूछ रही है, भाई चंपा क्या बोल रही है। चंपा ने पूछा, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। क्या तुझको लग रहा है कि भाई एबीसीडी स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली ने ना बोल दिया। चंपा बोल रही है कि यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट की है वो स्क्वायर में है और चमेली डिसएग्री हो रही है। चमेली ने बोला कि नहीं ऐसा स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो हमें भी प्रूव करना है कि इसमें से कौन राइट है। यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। दोनों में से कौन राइट है, चंपा और चमेली। चंपा ने बोला है कि भाई स्क्वायर शेप में चारों के चारों स्टूडेंट बैठे हुए और चमेली डिसएग्री हो रही है। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर प्रॉपर्टी और स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको होनी चाहिए क्या है कि भाई स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर की चारों के चारों जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां पर हमारे पास फोर पॉइंट है। पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ए पॉइंट है ना, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है 4। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 3 4। चलिए बी पॉइंट, तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 6 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 7। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 6 7। चलिए आ जाते हैं सी कोऑर्डिनेट सी पॉइंट पे, तो सी का एक्स कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 9 और वाई है 4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9 और 4। डी पॉइंट पे आ जाते हैं, डी का एक्स कोऑर्डिनेट 6 और वाई कोऑर्डिनेट 1। तो ये चारों को चारों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अगले बहुत सारे समय से किया है, इसको भी कर देंगे। तो यहाँ पर पहले तो चारों के चारों पॉइंट मेरे पास है, तो मैं ए बी पहले ए बी का डिस्टेंस मैं फाइंड कर देता हूं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास पहला स्क्वायर है ना, क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट नहीं लगाना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही, मैं यहाँ पर एक बार ही फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन उसका स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन उसका स्क्वायर। यानी क्या करना है, तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस करना है और वाई कोऑर्डिनेट का भी माइनस करना है और दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 माइनस 3 उसका स्क्वायर और प्लस करके क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 उसका भी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 6 माइनस 3 यानी 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 तो वहां पर भी 3 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर मुझे मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर हो गया हमारा 18। हमें चाहिए ए बी, तो यहाँ पर मैं रूट में 18 लगा दूंगा, तो रूट 18 यानी 9 टू जा लिख सकते हैं बच्चों, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट में बच जाएगा 2, यानी आंसर हमें मिल गया 3√2। तो बच्चों एक साइड मुझे मिल गई, ए बी साइड मुझे मिल गई। कितनी मिली ए बी साइड मुझे, यहाँ पर मुझे 4 साइड मिलने वाली है। पहली हमने फाइंड कर ली ए बी, उसके बाद हमें चाहिए बी सी, उसके बाद हमें कौन सी चाहिए यहाँ पर ए सी और लास्ट में चाहिए ए डी। और चारों के चारों अगर सेम आ रही है आपकी साइड तो भी सम फिनिश नहीं होगा, और भी मुझे क्या फाइंड करना होगा, दो डायगोनल सेम होने चाहिए, कौन से बी डी और ए सी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी को सॉल्व कर देते हैं और यहां पर हमारा सम फिनिश कर देते हैं। ओके, तो चलिए अब बारी है किसकी, अब हमें फाइंड करना है यहां पर दूसरी साइड बी सी। तो चलिए बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्टली बी सी। तो यहां पर एक्स टू माइनस एक्स वन आपको पता ही होगा, एक्स टू यानी 9, एक्स वन यानी 6, तो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट 4 और 7, तो 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो यहां पर आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा 3 स्क्वायर, और यहां पर भी 7 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 स्क्वायर।
तो माइनस थ्री का स्क्वायर बच्चों प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस की साइन रिमूव हो जाएगी। तो थ्री का स्क्वायर नाइन, यहाँ पर भी थ्री का स्क्वायर नाइन, तो नाइन और नाइन यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी सी इज इक्वल टू 18। यहाँ से स्क्वायर निकाल दूंगा तो रूट में 18, तो सेम टू सेम यहाँ पर जो था वही आ गया, तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं 3√2। ओके, इसी तरह से अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड साइड कौन सी है, सी डी। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस 6 माइनस 9 कर दूंगा मैं उसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 1 माइनस 4 उसका होल स्क्वायर। आप भी डायरेक्टली मेरे साथ कर सकते हैं जैसे मैंने किया वैसे ही, यहाँ पर भी 9 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस क्यों लगा रहा हूँ आपको पता होगा, बिग नंबर की साइन है ना। तो चलिए सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो गया, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18। मुझे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ सी डी, तो स्क्वायर निकल जाएगा तो रूट में 18। अब रूट में 18 का आंसर हमें पता है 3√2। तीन साइड तो सेम आ गए बच्चों, एक ही साइड सेम करने की है, अगर चारों साइड सेम हो जाती है तो रोम्बस शेप हो जाएगा, लेकिन चारों साइड के साथ अगर मैं डायगोनल भी इक्वल कर दूंगा तो ही आपका कौन सा शेप होगा, स्क्वायर शेप। तो अभी भी एक साइड बाकी है एडी, चलिए एडी को सॉल्व कर देते हैं, 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4 उसका स्क्वायर लगा देते हैं। ओके, तो यहां पर मैं लिख दूंगा एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बच्चों, 6 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर और 4 में से 1 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर, लेकिन माइनस हो या प्लस हो ब्रैकेट के बाहर आएगा, स्क्वायर के बाहर तो प्लस ही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर भी 9, यहां पर भी 3 का स्क्वायर 9, दोनों 9 हो गए यानी कि आंसर हमारा हो गया है 18। मुझे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ एडी, तो स्क्वायर निकाल दूंगा तो यहां पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, इसका आंसर हमें बताइए 3√2। चारों की चारों साइड सेम आ गई। अब बात करते हैं डायगोनल की, हमें डायगोनल भी इक्वल करना है ना बच्चों, तो डायगोनल कौन सा था, पहला एसी था, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं यहां पर हमारी फिगर में क्या दिया है। तो हमें करना है यहाँ पर AC यानी फर्स्ट डायगोनल लिया तो 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4, तो चलिए कर देते हैं 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर तो है ही ना, तो चलिए 9 माइनस 3 यानी कि सिर्फ और सिर्फ बचेगा 6 स्क्वायर और प्लस करके 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36। तो मुझे तो ए सी चाहिए ना, तो यहाँ पर से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो राइट साइड रूट लग जाएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट यानी 6 ही मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरा भी है, दूसरा डायगोनल कौन सा है, तो दूसरा डायगोनल हमारा BD है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, चलिए उसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं और माइनस कर देते हैं x का और y का। यहाँ पर देखिए BD तो उसका x x है ना कोऑर्डिनेट, वो 6 और 6 है तो 6 माइनस 6 और BD का 1 और माइनस 7, y y करेंगे तो 1 माइनस 7 और 6 माइनस 6, ओके, और होल स्क्वायर लगा देना है। यहाँ पर हम लिख देंगे पहला एक्स एक्स तो दोनों का क्या हो जाएगा 6 6 है तो 6 माइनस 6 होल स्क्वायर और y y है हमारा y टू 1 और y 1 हम 7 ले लेते हैं उसका स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 6 यानी 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो माइनस 6 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 36 हो जाएगा। हमें तो BD चाहिए, तो यहाँ पर से स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6 यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों साइड हमारी इक्वल आ गई और दो डायगोनल भी इक्वल आ गई, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भाई हमारा शेप कौन सा है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्या लिख देंगे यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कौन सी साइड थी, सी डी इज इक्वल टू ए डी, और दूसरा क्या सेम था बच्चों, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, इतना सेम हो गया, तो therefore करके हम लिख सकते हैं therefore ABCD is a square। बच्चों ABCD आपका कौन सा हो गया, शेप स्क्वायर, एंड कौन राइट है दोनों में से, एंड हेंस चंपा वॉज करेक्ट, चंपा ने पहले सही बताया था, चंपा वॉज करेक्ट।
ओके, चंपा राइट थी लेकिन चमेली डिसएग्री हो गई, इसलिए वो गलत हो गई। तो इसी तरह से आप कोई भी कोऑर्डिनेट को दिया होगा तो उसका डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चार साइड थी उसको फाइंड कर लिया, उसके बाद दो डायगोनल फाइंड कर लिया, तो चार साइड भी सेम थी, डायगोनल भी सेम थे, उसीलिए हमने बता दिया कि शेप इज स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हमें सीखना है 7.1 का, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए गुड बाय।